वोट मांगने त्यौथर आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने जनसभा में जनता से की अपील। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के त्योथर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने त्योथर से जबा तक रोड शो किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कमलनाथ सरकार भी जमकर तंज कसे हैं। दरअसल त्योथर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिद्धार्थ तिवारी को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। सिद्धार्थ तिवारी ने हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा पार्टी की सदस्यता ली थी। ऐसे में त्योथर विधानसभा सीट से बीजेपी को जिताने के लिए स्टार प्रचारक यहां जोर लगाने में जुटे हैं, जिसकी खातिर शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही रोड शो के द्वारा उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में वोट की अपील की है। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वही नड्डा ने भाजपा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का भी बखान किया। जेपी नड्डा ने नर्मदा परियोजना, नल जल परियोजना, गैस कनेक्शन और पीएम आवास जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी जिक्र किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। बोलिए, सिद्धार्थ को विधानसभा में भेजेंगे? नौजवान है, काम करने के लिए आतुर है। आपकी दिशा दशा और आपकी तस्वीर और तकदीर को बदलने का कृत संकल्प लेकर के चलने वाला नौजवान, और ईमानदारी से नौजवान आपकी सेवा करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और मित्रों बताइए, इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस किया कि नहीं किया? आप बताइए, कमलनाथ के रिश्तेदारों के घरों से ढेर सारा धन निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, इनके खिलाफ केस चले कि नहीं चले? आप बताइए, इनका ओएसडी के घर से धन निकला कि नहीं निकला? काजल की कोठरी में रहोगे तो काली तो लागे ही लागे, काली तो लगेगी लगेगी। ये घोटालों की सरकार, ऐसी सरकार आने देना है क्या? आने देना है क्या ऐसी सरकार? ये घोटालों की सरकार। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, ये चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर। और अंग्रेजी वाला कलेक्टर नहीं है, जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समझ गए? कलेक्ट करते हैं इकट्ठा, और इकट्ठा करके दिल्ली दरबार में वहां अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या मित्रों? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।